आज के दौर में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेकअप प्रोडक्ट का अहम रोल है। पर किस तरह का प्रोडक्ट किस तरह से और किस स्किन पर यूज करना चाहिए, इसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती। इसलिए आगरा में पहली बार सेल्फ मेकअप वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमे मेकअप से संबंधित तमाम जानकारियाँ दी गयी। ये आगरा में पहली बार इस तरह का वर्कशॉप किया जा रहा है। ये टोटली सेल्फ मेकअप वर्कशॉप है। इसमें मैं एक छोटे से क्राउड में, यंग गर्ल्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, मिडिल एज्ड, एज में कोई इसमें रुकावट नहीं है। आप यंग से ओल्ड कोई भी ये ज्वाइन कर सकता है। इसमें बेसिकली मैं एजुकेट करना चाह रही हूँ कि मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो आपको आर्ट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट है न्यू मी, जो कि मैं एक नया अपने आप को एक लुक दूँ। तो ये पर्सनल वर्कशॉप है। एक एक जो हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया पार्टिसिपेंट ने, उनको हम पूरा ए टू जेड सिखा रहे हैं, अबाउट प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं कि किस तरह से अपने स्किन के अकॉर्डिंगली आप मेकअप खरीदेंगे जो वेस्ट ना हो, और कैसे एक, चाहे वो महिला घर बैठने वाली नॉन प्रोफेशनल हो या प्रोफेशनल, हमारे यहाँ बीच में डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं और होम मेकर्स भी हैं, हर तरह के प्रोफेशन से आए हमारे यहाँ वर्कशॉप में महिलाएं। बेसिकली ये सेल्फ मेकअप वर्कशॉप है, जहाँ हम लोग डेली रूटीन लाइफ में सेल्फ मेकअप किस तरह से करना है, खुद से क्या करना है, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, वो सीख रहे हैं। डेली क्या यूज़ करना है, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, किस तरह से रूटीन मेकअप करना है, ये हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। इट्स अ गुड वर्कशॉप जस्ट फॉर अ चेंज फ्रॉम रूटीन लाइफ, फॉर लर्निंग द बेसिक मेकअप फॉर द पार्टीज एंड रेगुलर सेगमेंट्स। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, दैट्स इट। अशिता बत्रा मैम ने हम लोगों के लिए एक सेल्फ पार्टी मेकअप या सेल्फ लाइट मेकअप उन्होंने बताया। तो हम लोगों को, जैसे हमारी रेगुलर बहुत बिजी लाइफ है, उसमें हम लोग इसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। आज हम यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में और पार्टीज वगैरह में हम लोग काम आएगी। बहुत पर्सनल वर्कशॉप में मेकअप प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया। कॉस्मेटोलॉजिस्ट महिला चिकित्सकों के साथ कॉलेज स्टूडेंट्स भी शामिल रहे। ब्यूटिशियन ने बताया कि इस तरह के वर्कशॉप को हर 3 महीने में आयोजित करेंगे। साथ ही वर्कशॉप में कई गेम्स भी खिलवाए गए और गिफ्ट्स भी वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा।